हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सल्फानु कुशवाहा। तो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के थर्मल फिजिक्स के इस लेक्चर नंबर 13 में आप सब लोगों का स्वागत है। ये थर्मल फिजिक्स का सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा और थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैकेनिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मैकेनिक्स के सभी लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये थर्मल फिजिक्स भी अब आपका पूरा हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के बाद। तो लेक्चर नंबर जो 14 होगा वो थर्मल फिजिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। तो आप लोग हमको सजेस्ट करिए, कमेंट करके बताइए कि इसके बाद कौन सा यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं। जो बचे हुए 4 यूनिट हैं उसमें से कौन सा यूनिट आप चाहते हैं कि इसके बाद स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जैसा आप लोग बताएंगे उसी के जो भी परसेंटेज होगा, मतलब जिस भी यूनिट को लेकर ज़्यादा रिकमेंडेशन होगा उसी यूनिट को पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स में आज देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रेडिएशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर दो टर्म है यहाँ पर, दो डिफिनीशन है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर क्या होता है। इन्हीं दोनों टर्म के बेसिस पर हम ब्लैक बॉडी की डिफिनीशन समझेंगे और किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे। उसके बाद रेडिएशन से रिलेटेड ये जो दो यहाँ पर लॉज हम पढ़ने वाले हैं, स्टीफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जबकि इसके अलावा तीन और लॉज हैं रेडिएशन से रिलेटेड, टोटल 5 लॉज आपके सिलेबस में हैं, स्टीफन्स ला, न्यूटन्स ला, प्लैंक्स रेडिएशन ला, रेले जीन्स ला और वीन्स ला। तो टोटल 5 लॉज हैं जिसमें से आज हम सिर्फ 2 को कवर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमको आज ही के लेक्चर में कवर करनी है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वही 3 जो लॉज और बच गए, वीन्स ला, रेले जीन्स ला और उसके अलावा प्लैंक्स ला, ये 3 लॉज और बच गए, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में उसको कवर करेंगे। इसके बाद थर्मल फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारे प्रमोशन के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज रेडिएशन एनर्जी। व्हाट इज रेडिएशन एनर्जी, देखिए कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से लगातार, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो अपने टेम्परेचर की वजह से लगातार वो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करती, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकालती रहती है। साथ ही अपने एटमॉस्फेयर या अपने आसपास जो सराउंडिंग में दूसरी बॉडीज़ हैं उनसे जो भी उसको मतलब रेडिएशन मिल सकता है, हीट मिल सकती है, उसको वो एब्जॉर्ब भी करता है। तो कई बार लोगों के दिमाग में ये एक पिक्चर बन जाता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तब वो हीट को रेडिएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम ये बात बता दें बहुत ही स्पष्ट तरीके से, इसको आप जान लीजिए। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, एक केस ये हो गया। एक केस और आप ले सकते हैं, यहाँ पर इस बॉडी का टेम्परेचर हम लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। एक और केस लेते हैं जिसमें हम बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिए कि इन तीनों ही केस में ये बॉडी हीट रेडिएट करती है। तो कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से लगातार रेडिएशन के फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकालती रहती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी। तो सन से रेडिएशन के फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में हमारे पास जो एनर्जी आती है दैट इज रेडिएशन एनर्जी, जो हीटिंग इफेक्ट दिखा सकता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इन तीनों ही केस में जो बॉडी है वो हीट इमिट करती, ये रेडिएशन के फॉर्म में हीट को बाहर निकालती है। तो ये बॉडी भी हीट को रेडिएट कर रही है और ये बॉडी भी हीट को रेडिएट कर रही है। ठीक है, और ये बॉडी भी हीट को रेडिएट कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हर एक बॉडी हर एक टेम्परेचर पर हीट को रेडिएट करती है, साथ ही साथ हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, यानी इमिट करने के साथ साथ वो एब्जॉर्ब भी करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर इस बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हीट को इमिट करने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हीट को एब्जॉर्ब करने का जो रेट होगा उसके कंपेरिजन में। तो ये हीट ज़्यादा तेज़ी से रेडिएट करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा।
तो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो कम होता है और रेडिएशन इमिजन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जब इसका टेम्परेचर कम होते होते एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये तो घट के 5 के बराबर होगा तभी तो हो पाएगा। सपोज कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो, उस बॉडी का और उसके एटमॉस्फेयर का, तो हीट को रेडिएट करने का जो रेट होगा और हीट को एब्जॉर्ब करने का जो रेट होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल होने की वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, जिस रेट से ये हीट बाहर निकल रहा है उसी रेट से हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से आप ये वाला केस देख लीजिए, ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते हैं कि जब ये 10 है ये 20 है, तो नॉर्मल जो पिक्चर दिमाग में बनता है वो यही कि जो हीट होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की वजह से की तरफ हीट जा रही है, ये सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि यहाँ पर भी ये हीट को रेडिएट करता है। लेकिन अभी जो इमिट करने का, हीट को रेडिएट करने का ये जो रेट है वो हीट के एब्जॉर्ब करने के रेट की तुलना में कम होगा, तो थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हर एक टेम्परेचर पर बॉडी हीट को रेडिएट भी करती, इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो रेडिएशन का जो इमिशन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन का रेट कम होता है। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों सेम होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है और एटमॉस्फियर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का रेट ज़्यादा होगा और इमिशन का रेट कम होगा। तो ये तीनों पिक्चर आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए इनफ हैं, इन तीनों पिक्चर को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कभी भी अब ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई बॉडी सिर्फ हीट को रेडिएट कर रही है, इमिट कर रही है, वो एब्जॉर्ब भी करती है साथ ही साथ, बस उसका रेट अलग अलग हो सकता है। तो ये जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस बनाए हैं ना, इसी से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए इक्वल है, इसमें क्या है, ये ज़्यादा है और ये कम है, इसमें ये ज़्यादा है ये कम है, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन एनर्जी की जो प्रॉपर्टी होती है, तो रेडिएशन एनर्जी जो होती है वो, उसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो लाइट से हम कंपेयर करते हुए प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एनर्जी। तो रेडिएशन एनर्जी की जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लाइट से मैच करती है, क्योंकि लाइट भी एक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सिर्फ एक बात का अंतर है, वो एक बात आप याद रखिए। देखिए जो विजिबल लाइट होता है, जो प्रकाश जिसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा, अब आगे तो हम, अगर आगे आपके किसी टॉपिक में ये चीज़ होगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो काफ़ी वाइड रेंज होता है। इस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम दृश्य प्रकाश या वाइट लाइट कहते हैं, है ना, जिसको हम प्रकाश नॉर्मली बोलते हैं। विजिबल लाइट या वाइट लाइट जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, ठीक। और ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसमें अगर हम यहाँ इधर से इधर की बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ होता है, यानी इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब इधर से अगर इधर स्टार्ट करें तो वी इधर होता है और आर इधर होता है, इन द सेंस ऑफ विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर आप जानते हैं वायलेट टू रेड। तो सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका होता है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है, या 3900 एंगस्ट्रॉम भी दिया रहता है किसी किसी बुक में, या 390 या 400 नैनोमीटर भी दिया रहता है। तो जैसा भी होगा वो एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं 4000 से लेकर, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू होती है, कहीं 7800 दिया होगा, कहीं 8000 दिया होगा, तो आप यही याद करिए। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक इस दृश्य प्रकाश का, इस विजिबल लाइट का, इस वाइट लाइट का, इस सन लाइट का वेवलेंथ का रेंज होता है, ठीक। रेड के ऊपर जो, मतलब ये देखिए वायलेट यहां पर है, फिर उसके बाद इंडिगो है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये वेवलेंथ के बढ़ने का डायरेक्शन है। तो विजिबल लाइट में इधर आपको वायलेट कलर मिलेगा, और वायलेट से पहले जो मिलेगा इधर उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट और रेड के बाद इंफ्रा रेड, ठीक है। यानी इस वायलेट के नीचे कौन रहता है, अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अल्ट्रा वायलेट का जो वेवलेंथ है वो वायलेट के कलर वेवलेंथ से कम होता है, और रेड के ऊपर मिलता है आपको इंफ्रा रेड,
तो यानी इंफ्रा रेड का जो वेवलेंथ है वो रेड के वेवलेंथ से ज्यादा है। तो सिर्फ एक अंतर है रेडिएशन एनर्जी और विजिबल लाइट में, और वो जो अंतर है वो इसी वेवलेंथ का है। जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो इस रेंज में आती है, मतलब जो हीट प्रोड्यूस कर सके, ऐसा रेडिएशन जो हीट प्रोड्यूस कर सके, वो हीट प्रोड्यूस करने वाला जो रेडिएशन होता है वो उसका जो वेवलेंथ होता है वो रेड से ज़्यादा यानी इंफ्रा रेड के रेंज में आता है। वैसे तो आप जानते हैं रेडिएशन, ये भी तो बोला जाएगा सन से ही तो आता है रेडिएशन, बट ये रेडिएशन हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो लाइट है, इस लाइट से ये जो हीट रेडिएशन है, ये हीट रेडिएशन और इस लाइट में सिर्फ वेवलेंथ का अंतर है कि इसका वेवलेंथ कम होता है और इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इंफ्रारेड के रेंज में आता है हीट रेडिएशन। यहाँ रेडिएशन एनर्जी का मतलब मुख्य रूप से हम हीट रेडिएशन की बात कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और हीट का डिफरेंस आपको दिखता है, ठीक है। तो सिर्फ एक अंतर है यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में ये दोनों डिफर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बोथ विजिबल लाइट एंड हीट रेडिएशन डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज सेम है। अब सारी प्रॉपर्टीज भी थोड़ा मेंशन कर दें। सारी प्रॉपर्टीज का मतलब जो देखिए, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ पर चलती है, तो आप कह सकते हैं जस्ट लाइक लाइट, हीट रेडिएशन मूव्स इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, तो जितनी लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। सारी हम मतलब डायरेक्ट उसी प्रॉपर्टी को सिर्फ हम मेंशन कर रहे हैं। तो जैसे लाइट स्ट्रेट पाथ पर चलती है, वैसे हीट रेडिएशन भी स्ट्रेट पाथ पर चलता है। लाइट की जो स्पीड होती है वही हीट रेडिएशन का भी स्पीड होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इतनी ही होती है, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो रेडियो वेव हो, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत जितने भी स्पेक्ट्रम आते हैं, सबका जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और जैसे लाइट को किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसमिट होने के लिए, वैसे इसको भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखिए, सन के पास से जो हीट है वो हमारे पास आती है, बीच में कोई मीडियम तो नहीं है। अर्थ के आसपास एटमॉस्फियर है लेकिन उसके बाद तो नहीं है, तो इसका मतलब कि नो मीडियम रिक्वायर्ड, किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हीट रेडिएशन के ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लाइट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये वो सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है जो लाइट दिखाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं ये रिफ्लेक्शन दिखाता है, हीट रेडिएशन रिफ्लेक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है, और पोलराइजेशन, आप इंटरफेरेंस जानते होंगे, इंटरफेरेंस की फेनोमेना। अगर नहीं जानते हैं तो जब जानेंगे आप तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आई होप कि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी, और डिफ्रैक्शन की फेनोमेना। तो जब लाइट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे इन सभी टर्म के बारे में। मतलब जो नॉर्मल चीज़ें आप जानते हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती हैं, वो सब मेंशन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज लाइट के अंदर है। लाइट इन सारी फेनोमेना को शो करता है, हीट रेडिएशन भी इन सारी फेनोमेना को शो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो भी सारी प्रॉपर्टीज लाइट के अंदर होती हैं वो प्रॉपर्टी भी हीट रेडिएशन के अंदर होता है। सिर्फ वेवलेंथ का डिफरेंस है, क्योंकि अगर वेवलेंथ वही ले लेंगे तो ये भी हीट क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिर्फ वेवलेंथ का डिफरेंस है कि जो हीट रेडिएशन होता है वो इंफ्रारेड रेंज में आता है, इंफ्रारेड रेंज में आता है बस, बाकी चीज़ें लाइट की इक्वल है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर, इन दोनों की डिफिनीशन देखेंगे और इसी के बेसिस पर ब्लैक बॉडी को समझेंगे। तो सपोज कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर ये हीट रेडिएशन ऐसे आके इंसिडेंट हो रहा है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर हीट रेडिएशन आके इंसिडेंट होता है तो तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी। एक तो कुछ हीट को, रेडिएशन को वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बाकी को ये अंदर से ऐसे आगे निकाल देता है यानी कि ट्रांसमिट कर देता है।
ट्रांसमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तीन फेनोमेना होती है। तो जो भी हीट आप यहां से इंसिडेंट करते हैं इस बॉडी के ऊपर, उस हीट का तीन तरह से यूज होता है, कुछ ये अब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है और कुछ ट्रांसमिट करता है। तो सपोज कि जो आपने हीट इसको दिया था वो हीट क्यू है, टोटल इंसिडेंट हीट, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, और इस टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का जितना हिस्सा ये अब्जॉर्ब करता है, यानी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन टोटल रेडिएशन का जितना हिस्सा ये एब्जॉर्ब करता है, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो किसी भी मटेरियल का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, तो जो भी आप उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किए हैं, रेडिएशन को इंसिडेंट किए हैं, उसका जितना हिस्सा वो एब्जॉर्ब करता है वो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर है। सपोज कि आपने इसको जितना भी हीट रेडिएशन दिया, इसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हुआ। इसका मतलब कि इंसिडेंट रेडिएशन और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को ए लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, और ए लैम्डा की वैल्यू ऐसे केस में कितनी हो जाएगी, जब ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ए लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1। और इसी से रिलेटेड है ये हमारा अगला टॉपिक, ब्लैक बॉडी। तो पहले आप इस डिफिनीशन को समझ लीजिए एब्जॉर्प्टिव पावर की तरह। अब अगला है इमिसिव पावर। तो अब ये भी समझ गए होंगे आप, इमिसिव पावर का मतलब ये होता है कितना ये इमिट करता है। इमिट का मतलब आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कितना करता है। तो जितना भी इंसिडेंट हुआ है उसका कितना हिस्सा ये बाहर इमिट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर। यानी कि इमिटेड रेडिएशन, आप कह सकते हैं इमिटेड रेडिएशन अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। जितना भी आपतित हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उसका जितना हिस्सा वो इमिट कर देता है, उसको हम बोलते हैं इमिसिव पावर। और इसी इमिसिव पावर को ई से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जिस वेवलेंथ के लिए ये एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, उस लैम्डा को यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इमिटिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का सिर्फ इतना मतलब है कि टोटल रेडिएशन का कितना ये एब्जॉर्ब या इमिट करता है, सिंपल सा फार्मूला है। अब देखिए, अगर ब्लैक बॉडी की हम बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या है, सिंपल सा डिफिनीशन है, इसी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे, कुछ भी ट्रांसमिट ना करे, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। अक्सर जो ब्लैक कलर की बॉडीज होती हैं या बहुत डार्क कलर की बॉडीज होती हैं, वो अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब करती हैं। अगर उनका कलर जो है ब्राइट, मतलब चिकना कलर है, सफ़ेद कलर है, हल्का कलर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को रिफ्लेक्ट करती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डार्क कलर जो होते हैं उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर। और जो लाइट कलर्स होते हैं वो कलर्स क्या होते हैं, इनकी रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि जो भी रेडिएशन, जो भी हीट हमारे ऊपर आ रहा है वो एब्जॉर्ब होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाए। और ठंडियों में हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं, डार्क करने का मतलब क्या कि वो एब्जॉर्ब करे, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हमारा शरीर गर्म बना रहे, तो उसको हम मतलब गर्म, इसलिए ठंडियों में जो है डार्क कपड़े पहनते हैं। तो ये आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा। जैसे आप बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि जो सफ़ेद कलर की गाय होती है, देसी गाय जिसको बोलते हैं, उसको जब नहलाते हैं तो बहुत तेज़ भागती है, क्योंकि उसको ठंडा लगता है। भैंस को नहलाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, और नहला के जब छोड़ते हैं तो कीचड़ जहाँ मिलता है उसी में जाके बैठ जाती है, मतलब और ठंडा चाहिए। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, उनका जो कलर है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो अपने ऊपर इंसिडेंट मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ब्लैक बॉडी का मतलब कि ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आइडियल केस में जो अपने ऊपर इंसिडेंट टोटल लाइट को, टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, वो ब्लैक बॉडी है। तो अगर टोटल ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन सेम होने की वजह से
कैंसिल हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हो जाएगा, 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। वैसे आइडियली कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, बट फिर भी जो काजल होता है, काजल जानते होंगे आप लोग, उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना ही जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, या हायर टेम्परेचर पर उन सभी वेवलेंथ के, जिसको भी उसने एब्जॉर्ब किया था, उन सभी वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट कर सकती है, वो बॉडी ब्लैक बॉडी बोली जाएगी। तो जो सन होता है ये बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी का। ये ब्लैक भी नहीं है और ब्लैक बॉडी की पूरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। तो सन ब्लैक बॉडी का एक एग्जाम्पल है जो हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट करती है। अब आप कहेंगे एब्जॉर्ब करने की बात चल रही थी, तो एक बात बताइए कि जो भी वो एब्जॉर्ब किया होगा वही तो निकल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उसने कभी एब्जॉर्ब किया, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो डिफिनीशन में ये फिट आता है कि अगर वो हर तरह की वेवलेंथ को कोई एब्जॉर्ब कर सकता है, हर वेवलेंथ के रेडिएशन को, तो एक स्पेशल केस में, उचित परिस्थितियों में वो हर वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट भी करेगा। तो सन के केस में हम इमिशन ही देख रहे हैं, लेकिन वो हर वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट कर रहा है। आप ये मान सकते हैं वो कभी ना कभी उसने एब्जॉर्ब किया है, वही वो इमिट कर रहा है। तो सन ब्लैक बॉडी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अरे भाई आप ये सिंपल सी बात समझिए, जैसे कहा जाता है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। क्यों नहीं, क्यों ये बात कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, अगर आप बुरा देखेंगे, बुरा सोचेंगे, तो फिर बुरा आप करेंगे भी। तो जो आप एब्जॉर्ब किए हैं वही तो निकलेगा ना। तो इसलिए एब्जॉर्ब भी मत करिए, निगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब मत करिए, निगेटिव नहीं निकलेगा। पॉजिटिव चीज़ों को आप, जो भी पॉजिटिविटी चारों तरफ है, अच्छाइयाँ हैं, उसको आप लीजिए, वही आपके अंदर से भी निकलेगा। तो वही होता है, सन क्या करता है, अगर हर वेवलेंथ को रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब हर वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। तो ये सन ब्लैक बॉडी का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। ब्लैक बॉडी आप समझ गए, इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर समझ गए, तो इसी से आप एसोसिएट कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ को। किरचॉफ्स लॉ क्या है समझिएगा, बहुत शॉर्ट में बताएंगे आपको, बहुत ही शॉर्ट में, सीधे सीधे आपको ये समझ में आ जाएगा। किरचॉफ्स लॉ स्टेटमेंट काफ़ी टफ है इसका, तो पहले हम इसका टफ वाला स्टेटमेंट बताते हैं, फिर इसका रियल मीनिंग आपको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, द एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिव पावर, यानी द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कोई भी बॉडी का इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, वो कॉन्स्टेंट होता है। और वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर आप बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल। तो यही है किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट। फिर से समझिएगा, ई फॉर इमिसिव पावर, ए फॉर एब्जॉर्प्टिव पावर, किसका, जिस भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए किसी भी बॉडी के इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और वो हर एक बॉडी के लिए सेम होता है, ठीक है। यानी उसी टेम्परेचर पर उसी वेवलेंथ की अगर हम बात करें, तो भले ही एब्जॉर्प्टिव पावर अलग होगा इसका, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, इमिसिव पावर इसका अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, लेकिन जो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो होगा वो हर एक बॉडी के लिए सेम होगा, हर एक बॉडी के लिए। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए, ये बॉडी का जो इमिसिव पावर है और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, एक पर्टिकुलर वैल्यू हम ले रहे हैं, सपोज कि ये कितना है, ये है 20 और ये कितना है, ये है 10, ठीक। तो अगर एक दूसरी बॉडी आप लेते हैं, दूसरा सरफेस लेते हैं, इसी टेम्परेचर पर आप उसको रखते हैं, और जो वेवलेंथ आपने यहाँ पर इंसिडेंट किया था वो वही सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मटेरियल आपने चेंज कर दिया, तो सपोज कि उसका जो इमिसिव पावर आया वो आ गया 40 और उसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर आ गया वो आ गया 20। आप देखिए कि इमिसिव पावर दोनों का अलग है, एब्जॉर्प्टिव पावर भी अलग है, लेकिन जो रेशियो लेंगे यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किसी भी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, और वो किसके इक्वल होता है, तो वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल होता है। तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इक्वल टू ब्लैक रेडिएशन ऑफ, या इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी।
इसको अगर शॉर्ट में कहा जाए, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके कहा जाए, तो आप कह सकते हैं किसी भी बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है और एब्जॉर्प्टिव पावर होता है उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। यानी जो गुड इमिटर होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं, और इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, जो बैड इमिटर होते हैं वो बैड एब्जॉर्बर भी होते हैं। आप सिंपल भाषा में किरचॉफ्स लॉ के लिए ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, कि जो अच्छे और उत्सर्जक हैं, जो जितने अच्छे से उत्सर्जित कर सकते हैं वो उतने अच्छे से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए उतना अच्छा एब्जॉर्बर का भी काम करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल से आप देखिए कि जो रेगिस्तान में जो बालू होता है, कहते हैं कि रेगिस्तान में दिन जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर बाकी जगहों की तुलना में उतना ही कम होता है। सिंपल सा रीज़न है, बालू जो होता है वो बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो दिन में क्या करता है, जो भी हीट रेडिएशन मिल रही है उसको सन से, उसको बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मिट्टी वाला ज़मीन है, बालू वाला जो एरिया है, तो जो बालू वाला एरिया है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा क्योंकि वो मिट्टी की तुलना में ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है, तो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रात में अब क्या होगा, रात में अब ये जो अच्छा एब्जॉर्बर दिन में अच्छा एब्जॉर्बर था वो रात को अच्छा इमिटर भी बन जाएगा, ठीक, और जो बैड एब्जॉर्बर था वो बैड इमिटर होगा। तो दिन में इसने जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और टेम्परेचर बढ़ गया, रात को ये जल्दी जल्दी हीट को रेडिएट भी करेगा और रेडिएट करके इमिट करके ये इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन भी हो जाएगा। ये अभी धीरे धीरे जो है ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, क्योंकि इसने दिन में धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया था। तो जो बैड एब्जॉर्बर है वो बैड इमिटर है, जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड इमिटर है। तो बालू गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग होते हुए दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, एक रीज़न ये हो गया। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और देख ले लीजिए, मान लीजिए एक लोहा आपने लिया और लकड़ी आपने लिया, एक लोहे का रॉड है एक लकड़ी का रॉड है, और दोनों टुकड़ों को आप बाहर रख दीजिए छत पर। तो अब रात को जब आप देखेंगे दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो किसका टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, लोहे का लोहा ज़्यादा ठंडा होगा, लकड़ी कम ठंडा होगा, यानी इसका टेम्परेचर बहुत कम डाउन हो जाएगा, इसका कम डाउन होगा। और दिन में जब ये धूप लगेगी तो यही लोहा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लकड़ी कम गर्म होगी। यानी लोहा जो है वो अच्छा एब्जॉर्बर है और अच्छा इमिटर है। अच्छा एब्जॉर्बर होने की वजह से ये दिन में जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात को अच्छा इमिटर होने की वजह से जल्दी से हीट को बाहर निकाल के ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो दोनों ही केस में एक्सट्रीम कंडीशन में कौन रहेगा, यही रहेगा, लोहा रहेगा, क्योंकि ये अच्छा एब्जॉर्बर है और अच्छा इमिटर भी है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स, तो जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज भी होता है। इसी वजह से रोगी के पेट की सिकाई करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, दारू या दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि पानी का जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है, और स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने से क्या होता है, वो दिन टेम्परेचर उसका अगर आप मतलब उसको जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, और जब उस टेम्परेचर घटने की बात होती है तो ढेर सारा हीट वो दे कर जाता है। तो पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ का ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ दो लॉज हमको पढ़ने हैं, दैट इज स्टीफंस लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए तो देखते हैं स्टीफंस लॉ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ स्टीफंस बोल्ट्समैन्स लॉ, तो इसका एक रीज़न है। सबसे पहले इस लॉ को, जिस लॉ की हम बात करने जा रहे हैं, इस लॉ को सबसे पहले स्टीफन ने दिया था, बट इसको थियोरेटिकली प्रूफ किसने किया था, बोल्ट्समैन ने। तो इसको प्रूफ बोल्ट्समैन ने किया था। और दूसरी बात, स्टीफन ने जब ये फार्मूला दिया था तो उनके हिसाब से ये एक मतलब जनरल सा फार्मूला था, बोल्ट्समैन ने ही डेरिवेशन के दौरान ये पाया कि ये जो फार्मूला इन्होंने बताया स्टीफन ने वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए काम करती, ब्लैक बॉडी के ऊपर लागू होती है। तो इसी वजह से स्टीफंस लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया स्टीफंस बोल्ट्समैन लॉ, क्योंकि काफ़ी काम इन्होंने भी किया। एक तो इन्होंने थियोरेटिकल प्रूफ दिया उस चीज़ का, जिसको ये फार्मूला जो इन्होंने दिया था उसका प्रूफ इन्होंने दिया,
और इन्होंने ये भी बताया कि इसकी क्या लिमिटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए काम करेगी। तो क्या था वो स्टीफन्स लॉ जिसे बोल्ट्समैन ने बताया, जिसके बारे में जानकारियां दी और प्रूफ किया? तो इनके हिसाब से अब तो कन्फर्म है कि ये ब्लैक बॉडी के लिए है, तो हम सीधे इसी बात के को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, फॉर अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब जो हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले पूरा पूरा, या फिर स्पेशल केसेस में वो उसको इमिट कर सके। तो किसी भी ब्लैक बॉडी में हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी रेडिएट होता है, जो एनर्जी इमिट होता है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स बोल्ट्समैन लॉ, किसी भी ब्लैक बॉडी से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से निकलने वाला हीट या निकलने वाली एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ पर ये जो है वो केल्विन में है, और ये जो है वो क्या है, इसको याद करने के लिए आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्यू बाई ए इंटू टी। यहाँ पर क्यू का मतलब है हीट से या रेडिएशन से, तो हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और अगर ये चीज़ आपको पता है तो इस पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल, साथ ही साथ इसका यूनिट वगैरह भी आप कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ई फॉर एनर्जी नहीं, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक। तो E प्रोपोर्शनल टू T पावर 4, तो यहां से आप ये कह सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होल पावर 4। ये तो एक तरीका हुआ स्टीफन्स बोल्ट्समैन लॉ को यूज करने का। दूसरा तरीका ये है कि जिस ब्लैक बॉडी के लिए आप बात कर रहे हैं, सपोज कि ये कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, तो T टेम्परेचर की वजह से ये सपोज कि रेडिएशन को बाहर इमिट कर रही है, तो किस रेट से इमिट करेगी, तो वो उसका ये अपने फार्मूला देखा। लेकिन मान लीजिए कि ये जिस बॉक्स के अंदर सपोज रखा हुआ किसी एक ऐसे कोस्ट में बंद है, एक क्लोजर में ऐसे बंद है, जिसका टेम्परेचर टी नॉट है, तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी है वो हीट रेडिएट करने के साथ साथ वो हीट एब्जॉर्ब भी करती है ना। तो अगर हम सराउंडिंग के टेम्परेचर को इग्नोर करते हैं तब तो ये ठीक है, सराउंडिंग के भी टेम्परेचर को आप देखेंगे तो ये देखिए इसी कुछ ना कुछ एक रेट होगा हीट को एब्जॉर्ब करने का, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा ये अलग है। तो अगर ये बॉडी के सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट हो और इस बॉडी का टेम्परेचर टी हो, तो इस रेट से यानी ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, इस रेट से ये हीट को इमिट करेगा, और किस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टी नॉट पावर 4, इस रेट से ये एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम आपसे पूछें नेट कितना हीट रेडिएट हुआ, जैसे रेडिएट होने वाला तो आप यहाँ से निकाल रहे हैं, बट नेट जो है कितना हुआ, नेट वैल्यू कितनी हुई, तो आप नेट इमिटेड रेडिएशन, इसके लिए अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है, जैसे यहाँ पर भी हम एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं E इक्वल टू, यहां पर आता है सिग्मा टी पावर 4, और ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इस स्टीफन्स कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट आप इस यहां से निकालेंगे E अपॉन टी पावर 4, और E का यूनिट क्या आएगा यहां से, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और इसी के अपान में ये केल्विन पावर 4। जूल पर सेकेंड को वाट भी बोलते हैं, तो ये 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ये आप लिख सकते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट है ये, स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सिर्फ उस बॉडी को कंसीडर करते हैं तो ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, लेकिन उसके अगल बगल जो इनक्लोजर है उसका टेम्परेचर अगर टी नॉट है, तो नेट हीट जो रेडिएट कर रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ रेडिएट करने की बात करते थे तो इतना होता था, लेकिन साथ में कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो नेट रेडिएशन कितना हो रहा है, तो जितना भी वो बाहर निकाल रहा है उसमें से जितना भी ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो पता चलेगा कि नेट इमिशन कितना हो रहा है। तो यानी आप कह सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, जहाँ पर टी क्या है, टी है इस बॉडी का टेम्परेचर, और टी नॉट क्या है, इसके सराउंडिंग या इस इनक्लोजर का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया स्टीफन्स बोल्ट्समैन लॉ को यूज करने का,
और ये किसके लिए लागू होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए ये लागू होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो स्टेटमेंट है, मतलब जो लॉ है रेडिएशन से रिलेटेड, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो स्टीफन्स लॉ से ही डिराइव हो सकता है, मतलब उसी का एक दूसरा रूप है। और ये कब लागू होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस, दो बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफ़ी कम रहे। अब इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, अगर 35 भी दिया है तो वो भी इसी रेंज में आएगा। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर किसी बॉडी और उसके सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा। और ये यही बताता है कि रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या, बॉडी और उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यानी आप इसको कह सकते हैं माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। सपोज कि बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, तो आप कह सकते हैं टी माइनस टी नॉट। तो कोई भी बॉडी किस रेट से वो हीट को लॉस करेगी, किस रेट से वो ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर घटेगा। देखिए स्टीफन्स लॉ से सिर्फ आपको ये पता चल पाता है कि कितना हीट उसने बाहर निकाला, लेकिन किस रेट से उसका टेम्परेचर डाउन होगा ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से मिलता है। लेकिन इसका कुछ स्पेशल केस है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये तभी लागू होगा जब उस बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम हो, लगभग इस रेंज का हो। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट लॉस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट हो तो माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। माइनस यही बता रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये दो आपके लॉज हैं जिसको आज हमने डिस्कस किया, स्टीफन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बचे हुए जो लॉज हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आज के इस लेक्चर में हम इन लॉज के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है, टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड वेसल्स मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वेसल के अंदर दो बॉडी को रखा गया उस वेसल का टेम्परेचर 27। द टेम्परेचर ऑफ ए इज 527 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ बी इज 127 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम ए एंड बी इज, ए और बी से जो हीट लॉस होगा उसका रेट क्या है ये आपको बताना है, और सारी वैल्यू रेशियो में दिया हुआ है। इसका मतलब ए बॉडी से जो हीट रेडिएट होगा और बी बॉडी से जो हीट रेडिएट होगा दोनों का रेशियो हमको देखना है। ठीक, कंडीशन कुछ ऐसी है कि कोई एक इंक्लोजर है और उसके अंदर एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है ना, और ये जो इंक्लोजर है इस इंक्लोजर के अंदर, यहां पर इस इंक्लोजर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये कोई आदमी बन गया जैसे लग रहा है ना, क्रिएटिविटी आपको हर जगह देखनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए इस इंक्लोजर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और बॉडी ए का टेम्परेचर है 527 और बी का है 127 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ए और बी से जो हीट रेडिएट होगा उसका रेशियो बताना है। तो सिंपल सा आप देखिए फार्मूला जानते हैं कि कोई भी बॉडी किसी इंक्लोजर के साथ हो तो हीट रेडिएट होने का जो फार्मूला होता है ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, या ई इक्वल टू से लिखिए ई इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो इसमें ये जो टेम्परेचर है वो टी नॉट ही है और यही टी है, ये भी टी है, तो दो अलग अलग बॉडीज हैं। तो बॉडी ए के लिए अगर हम इसको ई ए निकालें तो इसको टी वन बोल सकते हैं, बॉडी बी के लिए सेम टाइप से अगर निकालेंगे तो सिग्मा यहाँ पर टी टू बोलेंगे, यही टी टू हो जाएगा हमारा, और माइनस टी अभी भी है इसके लिए सराउंडिंग अभी भी यही है, और इन दोनों का हमको रेशियो लेना है। तो रेशियो लेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ई ए अपान ई बी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करिए सबका, टी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए जो टेम्परेचर सारे दिए हुए हैं वो सब डिग्री सेल्सियस में है और जो कैपिटल टी फार्मूले में होता है दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में। तो 273 ऐड करेंगे इसमें भी तो कितना हो जाएगा 273 527 और 8 ये 800 हो जाएगा, तो 800 पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा टी नॉट, ये 273 ऐड करेंगे 300 हो जाएगा पावर 4 अपान, इसी तरीके से यहां से कितना हो जाएगा 2 और 13 एंड 400 पावर 4 माइनस 300 पावर 4। हर जगह से देखिए 100 पावर जो 4 है वो कॉमन हो जाएगा, तो कैंसिल करने के बाद ये आएगा 8 पावर 4 माइनस 3 पावर 4, 4 पावर 4 माइनस 3 पावर 4।
अब इसमें आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, चाहे इसी तरीके से वैल्यू लिख लीजिए, 8 × 8 कितना होता है 64, 64 × 64 माइनस 3 × 3 9, 9 × 9 81, 4 × 4 16, 16 × 16 256 माइनस 3 × 3 यानी ये 81। सिंप्लीफाई करना है अब इसमें क्या कर सकते हैं, आई थिंक कि मुझे यही करना पड़ेगा, इसको 9 × 9 कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइएगा तो ए प्लस बी 64 + 9 और 64 - 9 ऐसा करेंगे, है ना। और यहां पर भी आप ऐसा कर सकते थे, ये कितना हो जाएगा 16 × 16 था और ये 9 × 9 था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 16 + 9 और 16 - 9 यही सही पड़ेगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी तरीके से, कितना आ जाएगा ये 16 × 9 = 13 यानी कि 73 गुणे ये कितना हो जाएगा 4 माइनस कर दिया, 5 और माइनस कर दिया 55, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी तो एक माइनस है ना, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग ये 22.9 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, यानी आप इसको 23 बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो आएगा वो 23:1 के आसपास आएगा। अगर 22.9 भी दिया होता तो फिर वो करेक्ट होता, बट ऑप्शन भी इस तरह से दिया है तो 22.9 को हम 23 बोल सकते हैं, कैलकुलेशन के बाद यही आएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ स्फेरिकल बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वाट पावर एट 500 केल्विन, इफ रेडियस वेयर हाल्व, मतलब जो रेडियस है उसको आधा कर दिया जाए एंड टेम्परेचर इज डबल्ड देन द पावर रेडिएटेड इज, मतलब इस रेडियस और इस टेम्परेचर पर कोई बॉडी इतना हीट इतना पावर रेडिएट कर रही है, तो रेडियस को अगर आधा कर दिया जाए और टेम्परेचर को 2 गुना कर दिया जाए तो कितना पावर रेडिएट करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप फार्मूला जानते हैं पावर रेडिएशन का, टेम्परेचर से एसोसिएट अगर करके देखें तो यही फार्मूला आप स्टीफन बोल्ट्जमैन का फार्मूला यूज करेंगे, ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, या आप कह सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। ध्यान रहे कि यहां से जो ई निकलता है वो हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, यानी क्यू बाई ए टी है ये, इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो पावर की वैल्यू है, और पावर का मतलब होता है हीट पर सेकेंड, या एनर्जी पर सेकेंड को पावर बोलते हैं, तो ये एनर्जी है हीट है और ये पर सेकेंड यानी क्यू बाई टी जो है वो पावर है, तो आप चाहे इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा ए टी पावर 4। तो यहां से अगर दो अलग अलग कंडीशन में हम रेशियो निकाले हैं तो क्या मिलने वाला है, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ए वन बाई ए टू इन टू टी वन बाई टी टू होल पावर 4, यही रेशियो हमको मिलने वाला है। और अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन हम इस वैल्यू को यूज भी ना करें तब भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे बोला गया है कि रेडियस को आधा किया गया, तो रेडियस अगर 12 है तो यहाँ पर आधा करने का मतलब 6 हो जाएगा, तो आप सीधे तो 6 रख दीजिए, या तो आप A1 और A2 का रेशियो ही सीधे सीधे यूज करिए, और टेम्परेचर पहले 500 केल्विन था बाद में 2 गुना कर दिया गया मतलब 1000 केल्विन कर दिया गया, तो आप वैल्यू भी रख सकते हैं रेशियो भी यूज कर सकते हैं। तो A1 कितना है, एरिया, एरिया तो नहीं पता वैसे, ये रेडियस है तो एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और एरिया क्या होता है 4πr², तो अगर A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो 4πr² 4πr² करेंगे, तो यानी A1 अपॉन A2 की जगह पर R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर और यहां पर T1 अपॉन T2 का होल पावर 4, सबकी वैल्यू पुट करिए, 12/6 है आधा कर दिया गया है, और T1 कितना है 500, T2 कितना है 2 गुना इसका मतलब 1000, और इसका पावर 4 है। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से ये 2 ऊपर आएगा, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 पावर 2 × 1/2 पावर 4 कितना आएगा, P1/P2 = 2 पावर 2 × 1/2 पावर 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2 पावर 2 यानी 1/4, तो P1/P2 = 1/4, तो P2 = हो जाएगा 4P1, और P1 पता है आपको 450 वाट है, तो 450 वाट का 4 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 900 आएगा, 4 गुना करेंगे तो 1800 आएगा, यानी 1800 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1800 वाट,
ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला है आपका E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, इसको पावर के रूप में किस तरीके से यूज करना है ये आपको ध्यान रहे। इस पर बेस्ड कई बार CSIR, नेट और गेट के एग्जाम में क्वेश्चन इस फार्मूले पर पूछा जाता है कि अगर हम एरिया को दो गुना कर दें और टेम्परेचर को चेंज कर दें तो पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही वो रिलेशन है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता क्योंकि उन्होंने हमेशा इस तरीके से देखा है, इसी तरीके से याद किया है। तो इसको जब आप पावर के फॉर्म में देखें, क्यू बाई टी जो है वो पावर ही है, तो पावर के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, द एनर्जी इमिशन रेट इन द प्रोसेस विल बिकम 2 times, 4 times, 8 times, 16 times। तो अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 300 से 600 केल्विन कर दिया जाए तो जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी है वो कितना बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे आपको यूज करना है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। दो अलग अलग केस में इसका रेशियो लीजिए, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, यहां से रेशियो लेंगे T1 अपॉन T2 होल पावर 4 आ जाएगा। T1 आपको पता है और T2 भी पता है, तो आप E1 अपॉन E2 निकाल सकते हैं। T1 है आपका 300 केल्विन और T2 है 600 केल्विन, और इसका होल पावर 4 करिए, कैंसिल करिए, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और 1 अपॉन 2 का मतलब 2 पावर 4 का मतलब 1 अपॉन 16। तो यहां से आप E2 की वैल्यू निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 E1, मतलब कि जो हीट रेडिएशन का रेट है वो इनिशियल हीट रेडिएशन के रेट का 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक बॉडी इज मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडिएशन इमिटेड। दो अलग अलग ब्लैक बॉडीज हैं, दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि उनका जो रेडिएशन निकलेगा उसका रेशियो क्या। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूछा गया था कितने गुना हो जाएगा, इसमें ये पूछ रहे हैं कि उसकी उसका रेशियो एग्जैक्टली क्या आएगा। तो तरीका एकदम सेम है, आप देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। और वैसे भी आपने सिर्फ आज क्या पढ़ा है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है जो कि एक स्टेटमेंट था, कोई फार्मूला नहीं था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है, तो इसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूं, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होमवर्क होंगे जो आपको करके आंसर बताने। तो दो अलग अलग केसेस दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको रेशियो लेंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होल पावर 4। T1 और T2 दिया हुआ है, ये T1 है और ये T2 है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में, तो आपको केल्विन में वहां लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रहे। 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 273 जोड़ने के बाद ये होगा 300, और अपान में इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और होल पावर 4। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/4, 1 अपॉन 4 पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू 16 यानी 256। तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 256, यानी अगर रेशियो की बात करें तो 1:256 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, जो हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि ब्लैक बॉडी के बगल में जो इनक्लोजर है अगर उसका भी टेम्परेचर आपको दे देता है तो यही फार्मूला T^4 - T₀ power 4 बन जाता है, ठीक। कई बार क्या होता है, फार्मूले से रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन की बजाय पावर के फॉर्म में कुछ पूछ लिया जाता है, तो फिर इसको आपको ओपन करना पड़ेगा Q/AT के फॉर्म में, और बाकी ये रेशियो वाले तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, जो अच्छे इमिटर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं, ये कौन से स्टेटमेंट पर बेस्ड है। चार स्टेटमेंट यहाँ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ प्रीवोस्ट और किरचॉफ्स लॉ, आपको बताना है इन चारों में से किस पर ये बेस्ड है। तो यही हमने आपको बताया था किरचॉफ्स लॉ में, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिव पावर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ईच बॉडी एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। और इसी का सिंप्लीफाइड जो स्टेटमेंट था वो यही था कि जो अच्छे इमिटर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं, गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो ये है क्या, ये किरचॉफ्स लॉ का ही दूसरा स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चंस काफी आसान है, बट फार्मूले को यूज करना आना चाहिए,
इसमें e का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, e का मतलब यहाँ है q अपॉन a इंटू टी, और q अपॉन टी को हम क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। अब दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, तो आपका जो होमवर्क है उसका सबसे पहला पार्ट क्या है, सिग्मा की वैल्यू गिवेन है, सिग्मा मतलब स्टीफन कॉन्स्टेंट, तो ये एसआई सिस्टम में जो इसकी वैल्यू है वो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ -8 है। द टेम्परेचर एट विच अ ब्लैक बॉडी लूजेज थर्मल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का विशेष आपको ध्यान रखना है, और सारा हमने इसका जो सीक्रेट है वो आपको शुरुआत ही बता दिया है लेक्चर में। अगर आप शुरुआत में जाकर देखेंगे तो जहां पर हमने आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताया वहां पर हमने यूनिट्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन होगा वो 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये सारे ऑप्शन है 756 केल्विन, 725 केल्विन, 648 केल्विन, 595 केल्विन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ बॉडी रेडिएट्स 1 किलो जूल हीट रेडिएशन पर सेकेंड, कोई बॉडी एक सेकेंड में इतना हीट रेडिएशन निकालती है एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द रेट ऑफ हीट रेडिएशन बी 16 किलो जूल पर सेकेंड। आपको वो टेम्परेचर पता करना है जब उस बॉडी का रेट ऑफ हीट रेडिएशन हो जाए 16 किलो जूल पर सेकेंड, और सारे ऑप्शन इस बार डिग्री सेल्सियस में है, 327, 325, 273, 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपसे सुझाव एक हम मांग रहे हैं कि थर्मल फिजिक्स का आप नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, तो उसके बाद आप कौन सा यूनिट पढ़ना चाहते हैं, जिस सीक्वेंस में ये चल रहा है सिलेबस उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करें, वेव एंड ऑसिलेशन बताया जाए, या कोई और यूनिट अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है आपको कि वो ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है तो हम वो भी आपको पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, उसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट कौन सा यूनिट पढ़ना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बिल्कुल आपके एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस हो और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।